वेब सर्विसेज। अब वेब सर्विसेज की अगर बात करें तो से फॉर एग्जांपल ये आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो आपके वेब सर्वर को जो है एक्सेस करना चाहता है, तो यानी कि उसकी जो इंटरनेट है वहाँ पे कोई साइट है उसको एक्सेस करना चाहता है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो आपका कंप्यूटर है वो पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, और रिक्वेस्ट में उसका क्या जाएगा, पूरा डिटेल जाएगा, सोर्स का आईपी एड्रेस और उसका सोर्स का पोर्ट नंबर, देन डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, राइट। लेकिन उसके बाद जब आपके वो रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ पे पहुंचेगी, वेब सर्वर पे, तो वेब सर्वर वहां से रिप्लाई करेगा, तो वहां पे रिप्लाई करते वक्त उसका जो सोर्स का आईपी एड्रेस क्या होगा, वेब सर्वर का होगा, पोर्ट नंबर किसका होगा, सोर्स का, वेब सर्वर का होगा, तो डेस्टिनेशन में जो आपके क्लाइंट का जो जिस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट करी उसका आईपी एड्रेस प्लस उसका जो पोर्ट नंबर है वो यहां पर आ जाएगा। तो इसी तरह से पूरा पूरे जो वेब सर्विसेज हैं वो काम करती हैं। तो यहां पे जो आपका क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में जो ट्रैफिक चल रहा है वो ट्रैफिक आपका टीसीपी के द्वारा भी यूज किया जा सकता है, टीसीपी प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड यूडीपी के यूडीपी प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब टीसीपी कब होगा, कोई ऐसा डेटा, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे जितना भी कम्युनिकेशन है उसके लिए आपका टीसीपी प्रोटोकॉल काम करेगा। लेकिन कोई ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर कोई आपका एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन दैट केस आपका यूडीपी प्रोटोकॉल जो है यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। वॉइस सर्विसेज, राइट, वॉइस सर्विसेज हमारी जो है बहुत ड्रास्टिकल चेंज हुई है। अगर कुछ समय पहले तक की बात करें तो आपके पास जब नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी तब वहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका एनालॉग्स के जरिए होता था, यानी कि जो आपका ये वाला जो आपका टेलीफोन है वो आपके ईबीबैक सिस्टम को जो है रिक्वेस्ट करता था, तो यहाँ से डेटा आपके जो है वो आपका डायल टोन के जरिए आता था कहाँ पे, इस पीबीबैक सिस्टम के बाद। अब यहाँ से आपकी टेलीफोन लाइन से होते हुए जो है यहाँ पे दूसरे ईबीबैक सिस्टम के पास जाता है, तो ये बेसिकली डायल टोन के जरिए जो है अलग अलग डायल टोन्स होती थी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और दूसरा जो ईबीबैक सिस्टम है वो फिर आगे जो है इस आपके फोन को जो है रिंग करवाता है और वहाँ पे जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता था। ये आपकी काफ़ी एनालॉग के ऊपर में भी काफ़ी समय तक जो है हमारा पूरा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश रहे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती चली गई, और प्लस हमारा जो आपका कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो भी चेंज होता गया। तो यू कैन सी यहाँ पर जो है जब थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो ऐसे में आपके पास जो है यहाँ पे ईपीवीएक्स जो आपका एनालॉग टेलीफोन है वो आपके पीवीएक्स को जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता रिक्वेस्ट, और यहां से जाती आपके राउटर पे। अब यहां पे जो है राउटर टू राउटर जो है वो डेटा बहुत फास्ट ट्रेवल करने लग गया। अगर पहले एनालॉग की बात करें जो पिछले स्लाइड के अंदर हमने देखा तो वहां पे क्या होता था कि काफी टाइम लग जाता था डेटा को एक एक जगह से दूसरी जगह पे रिंग बजने में काफी समय लगता था। तो वहां पे अगर आप लोगों ने कोई पुराने आपके जो एनालॉग फोन है अगर आपने आपको पता है कि कैसे काम करते थे तो आप जब भी नंबर डायल करते उसके बाद आपको बीप सुनाई देती थी, बीप टी टी, इस तरह से जो है वो काफी समय लेता था, यानी कि वो जो डेटा है वो एक जगह से पूरे दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में बहुत टाइम लेता था। लेकिन आज की डेट में जब आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो एडवांसमेंट के साथ में आपका क्या हुआ, यहाँ पे ये आपके पीवीएक्स लेके जा रहा, तो यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है बस वही टाइम लग रहा है, यहाँ से जब राउटर पे जा रहा है तो राउटर क्या कर रहा है, फिर आपका जितना भी वो डेटा है उसको एक वॉइस पैकेट को जो है आईपी के जरिए बहुत फास्ट ट्रैवल करवा के दूसरी लोकेशन पे सेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये राउटर फिर वापस पीवीएक्स को दे रहा, पीवीएक्स जो है वो वापस आपके दूसरे आपके जो हैंडसेट है उसको यहाँ पे रिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में आपकी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट हो गया, बिकॉज बीच में दो आपके राउटर जो आईपी बेस पे कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश करने लग गए। लेकिन जब और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो यहाँ पे हमारे पास आ गए डायरेक्टली आईपी फोन्स, राइट, या हमारे मोबाइल की बात कर लो या फिर आपके लैंडलाइन आईपी फोन्स की बात कर लो, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये पूरा आईपी पे काम करता है, इसलिए हमारी जो कॉल आज की डेट में बहुत फास्ट जो है वो कनेक्ट हो जाती है। अब से फॉर एग्जांपल ये जो आपका आईपी फोन है इसको इस वाले आईपी फोन को जो है कोई कम्युनिकेशन करना है इसके पास में रिक्वेस्ट रिंग जानी है, तो जैसे हम कोई नंबर डायल करेंगे इसका तो ये क्या करेगा, तुरंत अपने सबसे अगर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो ये क्या करेगा अपने कॉल एजेंट के पास में जाएगा, राइट। तो ये एक बेसिकली एक डायरेक्टरी है
जहाँ से वो पूरी डिटेल ऐड उसको मिल जाएगी कि कहाँ पर उसको जाना है, किस रूट से जाना है, तो ये कॉल एजेंट उसको डिटेल प्रोवाइड करेगा और रिक्वेस्ट आएगी स्विच के पास राउटर, और राउटर फिर इंटरनेट से होते हुए फिर वो कितना भी डिस्टेंस दूर हो तो ऐसे में राउटर नंबर 2 से होते हुए फिर आपके आईपी फोन तक पहुंच जाएगी। ये आपका फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर अब इसके पास में क्या आ गया, डिटेल आ चुकी है कि मुझे किस रूट से जाना है, तो सेकेंड टाइम अगर आप इसको डायल करोगे तो ये आपके कॉल एजेंट के पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली यहां से इंटरनेट से होते हुए डायरेक्ट आपके दूसरे आईपी फोन तक पहुंच जाएगा। आज की डेट में अगर हम व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह करते हैं या वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, आपका वॉइस ओवर आईपी के जरिए कम्युनिकेट कर रहा है, यानी वहां पे पूरा इंटरनेट जो है वो काम कर रहा है। तो इसीलिए आप कहीं पर भी वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने में कहीं पर भी आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आप जैसे कनेक्ट करते हैं तुरंत आपका जो है सामने दूसरे एंड पे पहुंच जाती है रिंग, और वहां से वो जो भी पिकअप कर लेते हैं तो हम आसानी से जो है वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत फास्ट जो कम्युनिकेशन है वो कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एडवांस टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड वॉइस ओवर आईपी और वाइप टेक्नोलॉजी।